हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल रीड फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स द वर्ल्ड इन विच वी लिव इज़ वेरी ब्यूटीफुल वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं बहुत ही खूबसूरत है देर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस और हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं दीज आर एयर वाटर माउंटेन वहीकल्स टॉयज बिल्डिंग प्लांट्स एनिमल्स बर्ड्स सन मून स्टार एक्सेट्रा और वो चीजें क्या क्या है पानी हवा पहाड़ वाहन खिलौने भवन पेड़ पौधे जानवर चिड़िया चांद तारे सूरज थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल लिविंग थिंग्स वो सारी चीजें जिसमें कि जिंदगी है जिसमें की जीवन है उसे क्या कहते हैं लिविंग थिंग्स कहते हैं अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल लिविंग थिंग्स ह्यूमन प्लांट्स एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ऑल लिविंग थिंग्स वो सारी चीज़ें जिसमें की जीवन होता है जिंदगी होती है जो कि जिंदा है उसे हम लिविंग थिंग कहते हैं जीवित चीज कहते हैं वो क्या क्या है ह्यूमन बींग्स इंसान प्लांट्स पेड़ पौधे एनिमल जानवर और चिड़िया आर ऑल लिविंग थिंग्स ये सारी क्या है? जीवित चीज़ें हैं ये सारी जिंदा चीज़ें हैं ये सारी लिविंग थिंग्स हैं थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स थिंग्स डैट डो नॉट हैल नॉन लिविंग थिंग्स वो सारी चीज़ें जिसमें की जिंदगी नहीं है जिसमें जान नहीं है वो सारी क्या है निर्जीव चीजें हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल चेयर पेन कार एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स टेबल चेयर कार पेन आपके अगल बगल जितनी भी चीज़ें हैं जो कि जिंदा नहीं है वो क्या है नॉन लिविंग थिंग्स है ठीक है आप फिगर में देख सकते हैं लिविंग थिंग्स क्या क्या है बॉय और ट्री और नॉन लिविंग थि थिंग्स क्या क्या है चेयर टेबल फोन बुक्स ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं एवरी थिंग अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड एज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं वो दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं किस दो ग्रुप में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के ग्रुप में डिवाइडेड हैं या तो वो जीवित चीज़ें हैं या वो निर्जीव चीजें हैं या जिंदा चीज़ें हैं या बेजान चीज़ें हैं ठीक है लिविंग है? है या नॉन लिविंग है फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स अब हम देखते हैं कि क्या क्या खासियत है लिविंग थिंग्स की क्या क्या फीचर्स हैं लिविंग थिंग्स के ऑल लिविंग थिंग्स हैव स्पेशल फीचर्स एज दे ग्रो हर लिविंग थिंग का एक स्पेशल फीचर होता है जैसे कि दे ग्रो वो क्या करते हैं ग्रो करते हैं मूव वो मूव करते हैं वो बढ़ते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं वो फील करते हैं महसूस करते हैं नीड फूड उन्हें खाने की ज़रूरत होती है ब्रीद वो सांस लेते हैं एंड रिप्रोड्यूस, वो नए पैदा लेते हैं एक से दूसरे पैदा लेते हैं ठीक है क्या स्पेशल फीचर है ऑल लिविंग थिंग्स हैव स्पेशल फीचर दे ग्रो मूव फील नीड फूड ब्रीद एंड रिप्रोड्यूस सारी जीवित चीज़ें बढ़ती हैं वृद्धि वृद्धि करती हैं जैसे कि हम लोग ह्यूमन वींग्स हम लोग पहले बच्चे थे छोटे बच्चे से थोड़े बड़े हुए और थोड़े बड़े से और बड़े होंगे ठीक है हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं वी मूव पेड़ पौधे भी कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो मूव करते हैं जैसे टच मी नॉट प्लांट उसे आप टच करेंगे तो वो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं जैसे कि सन फ्लावर वो क्या करता है जिधर सन होता है उधर अपना फ़ेस टर्न कर लेता है तो वो मूव करते हैं फील वी फील हमें ठंडा गर्म तकलीफ़ चोट या फिर हर तरह की चीज़ें क्या होती है महसूस होती हैं हमें दिखाई देते हैं सुनाई देते हैं तो हम क्या करते हैं फ़ील करते हैं उसी तरह जो प्लांट्स हैं वो भी फ़ील करते हैं जैसे कि टच मी नॉट प्लांट जब आप उसको टच करते हैं तो वो टच हमारा फील करता है उसे टच महसूस होता है और फिर उस टच के लिए वो मूवमेंट शो करता है वो अपने पत्ते मोड़ता है उस टच को फील करके नीड फूड हम लोगों को खाने की जरूरत होती है हर इंसान को हर जानवर को खाने की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें ग्रो करना होता है हमें इनर्जी चाहिए ना इसीलिए प्लांट्स को भी खाने की ज़रूरत होती है क्योंकि प्लांट्स भी ग्रो करते हैं ठीक है वी ब्रीद हम लोग क्या करते हैं सांस लेते हैं ह्यूमन बींग्स भी सांस लेते हैं और पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं एंड रिप्रोड्यूस हम लोग रिप्रोड्यूस भी करते हैं जैसे कि छोटा बेबी पैदा लेता है एक ह्यूमन बीइंग से छोटे बीज से एक पौधा निकलता है तो उसे क्या कहते हैं रिप्रोड्यूस करना कहते हैं एक एक चीज से दूसरा चीज बनना एक बीज से एक पैदा पौधे का पैदा लेना रिप्रोड्यूस कहलाता है ठीक है आपको फीचर्स पता चल गए लिविंग थिंग्स के नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज ग्रोथ वॉट एग्जैक्टली इज ग्रोथ अब हम लोग पढ़ेंगे सारे जो फीचर्स हमने पढ़े हैं वो कैसे होते हैं एग्जैक्टली ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो सारी जो जीवित चीजें हैं वो ग्रो करती हैं बढ़ती हैं दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज वो बढ़ते हैं और क्या करते हैं अपना ग्रो, ग्रो ऑल लिविंग थिंग्स जैसे जैसे वो बढ़ते हैं आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम दे डाई और कुछ समय बाद क्या होता है वो मर जाते हैं आफ्टर सम टाइम दे डाई अन बेबी ग्रोज इन टू बॉय और गर्ल एक ह्यूमन बेबी जो होता है छोटा बच्चा जो होता है जो बिल्कुल इन्फेंट बच्चा होता है छोटा बेबी वो क्या क्या करता है वो ग्रो होकर या तो लड़का बनता है या लड़की बनती है वो अगर छोटा बेबी लड़का है तो बड़ा होके लड़का या लड़की बनते हैं एंड फिर बिकम्स एन एडल्ट मैन एंड वुमेन और उसके बाद ग्रो करके क्या बनते हैं एक मैन या वुमन बनते हैं जैसे कि आप लोग आप लोग बड़े होके क्या बनोगे अभी अभी आप बॉय या गर्ल हैं और फिर आप बड़े होके मम्मी पापा के जैसे मैन या वुमेन बनेंगे पपीज़ ग्रो इन टू डॉग जो छोटे डॉगी के पपी होते हैं ना पिल्ले होते हैं वो क्या करते हैं ग्रो करके क्या बन जाते हैं डॉग बन जाते हैं एंड सीड ग्रोज इंटू अ सीडलिंग एंड देन अ ट्री और जो बीज होता है वो बीज क्या बनता है छोटा पौधा बनता है और पौधे से फिर धीरे धीरे क्या बनता है एक बड़ा पेड़ बन जाता है सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो इसीलिए सारे पेड़ और पौधे क्या होते हैं सब लिविंग थिंग्स हैं और सब ग्रो करते हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जीवित चीजें हैं वो ग्रो करती हैं ह्यूमन बींग्स प्लांट एनिमल्स सब चीजें क्या करती हैं ग्रो करती हैं ठीक है आप फिगर में देख सकते हैं बेबी बॉय है वो बेबी बॉय क्या हुआ यंग बॉय बना छोट थोड़ा बड़ा लड़का बना और उसके बाद वो मैन बन गया एडल्ट मैन बन गया उसी तरह नीचे फिगर में देखिए आप एक सीड है सीड बेबी प्लांट बना बेबी प्लांट से वो ट्री बन गया और एक पपी एक पपी डॉग बन गया अब हम देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं दे डू नॉट ग्रो अ टेबल रिमेन्स द सेम साइज फॉर एवर जैसे कि टेबल टेबल क्या होता है कभी ऐसा होता है कि आपके घर का जो टेबल है वो आपने उसे दो दिन हर साल वो थोड़ा बड़ा हो जाता हो या फिर हर साल आप उसका बर्थडे मनाते हो क्योंकि वो बड़ा होता है या फिर चार पाँच साल बाद वो और बड़ा हो जाता है वो जितना बड़ा रहता है वो उतनी ही बड़ी रहती आपकी पेंसिल ऐसी होती है कि बड़ी होती जाती है नहीं ना ऐसा होता है आपके बुक्स बड़े हो जाते हैं किसी दिन नहीं तो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो जितने बड़े होते हैं उतने ही बड़े रह जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव चीज़ें वृद्धि नहीं करती हैं बड़ी नहीं होती हैं ठीक है मूवमेंट ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करती हैं मूव करती हैं एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग एनिमल कैसे मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स बर्ड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स बर्ड कैसे उड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ विंग्स एंड फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स मछलियाँ कैसे तैरती हैं विद द हेल्प ऑफ फिंस ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं स्ने एनिमल जो है वो पैर से पैर से जाता है जो चिड़ियाँ हैं वो अपनी पंखों से उड़ के जाती हैं मछली अपनी छोटी छोटी पंखों से स्विम करती हैं स्नैक क्रॉल स्नेक क्या करता है क्रॉल करता है रेंगता है फ्रॉग हॉप और जम फ्रॉग क्या करते हैं कूदता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है प्लांट रिमेन फिक्स टू सॉइल बट सम प्लांट शो मूवमेंट कुछ जो पेड़ है वो क्या करते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है क्योंकि वो जमीन में गड़े हुए हैं सॉइल में एंड सम प्लांट शो मूवमेंट फिर भी कुछ पेड़ जो ऐसे हैं वो क्या करते हैं मूवमेंट शो करते हैं कौन से प्लांट मूवमेंट शो करते हैं अब हम ये पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ देयर पार्ट उनका क्या कुछ पार्ट बॉडी का पार्ट मूव करता है टच मी नॉट प्लांट फोल्ड इट्स लीव व्हेन टच टच मी नॉट प्लांट क्या करता है अपने लीव्स को मोड़ लेता है जब उसे टच किया जाता है तो उसके लीव क्या हुए मूव हो रहे हैं ना ऐसे मुड़ रहे हैं और खुल रहे हैं तो मूव हो रहे हैं और सनफ्लावर टर्न इट्स फेस टूवर्ड द सन सनफ्लावर क्या करता है अपना फेस टर्न कर लेता है सूरज की तरफ तो वो भी मूव कर रहा है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तो ये सारी चीजें क्या है मूव करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या करती हैं वो मूव नहीं करती हैं खुद से अ कार मूव ओनली व्हेन समवन ड्राइव्स एक कार तभी मूव करता है जब उसे कोई ड्राइव करता है वैसे कार को अपने आप चलते देखा है क्या आपने नहीं ना कार अपने आप नहीं चल सकता अ टेबल मूव्स ओनली वेन यू पुश और पुल इट एक टेबल तभी मूव करता है जब आप उसको या तो ढकेलते हैं या खींचते हैं ठीक है टेबल कार या फिर जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं नॉन लिविंग थिंग क्या करती है मूव नहीं करती हैं नॉन लिविंग थिंग खुद ब खुद एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती या फिर किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं शो करती हैं ठीक है अपनी जगह पे रह के भी वो किसी तरह का मूवमेंट किसी तरह का रिस्पांस नहीं देती हैं नाउ कम टू ब्रीद ब्रीद ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीद जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करती हैं ब्रीद करती हैं प्लांट इन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद करता है प्लांट ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ब्रीद आउट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन छोड़ता है दे ब्रीद थ्रू द टीनी होल्स कॉल स्टोमाटा और वो छोटे छोटे छेदों की मदद से सांस लेते हैं उन छोटे छोटे छेदों को क्या कहते हैं स्टोमाटा कहते हैं ऑन द लोअर साइड ऑफ देयर लीव्स और वो कहाँ रहते हैं वो पत्तों की निचली सतह में रहते हैं पत्तों के नीचे पत्तों के नीचे क्या होते हैं छोटे छोटे चीनी होल्स होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं वो स्टोमाटा पेड़ को ब्रीद करने में हेल्प करते हैं उससे पेड़ सांस लेते हैं क्या सांस लेते, है? लेते हैं दे ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते आउट ऑक्सीजन और छोड़ते हैं हैं पेड़ पेड़ लेते और सांस छोड़ते हैं दे ब्रीद थ्रू टीनी होल्स कॉल स्टोमाटा वो छोटे छोटे छेदों से सांस लेते हैं जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं ऑन द लोअर साइड ऑफ देयर लीफ और ये कहाँ है आपके पत्तों की निचली सतह में है ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स ह्यूमन बींग्स कैसे सांस लेते हैं लंग्स से सांस लेते हैं द टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस थ्रू नॉस्ट्रिल्स वो कैसे क्या करते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं दे टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं दिस टेक प्लेस थ्रू नोस्ट्रेल्स और ये कैसे होता है ये हमारी नाक से होता है नाक की नली से होता है हम लोग अपनी नाक से सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ऑल द एनिमल्स ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू लंग्स जितने भी जीव जंतु जानवर हैं आपके धरती पर वो जो जमीन पे रहते हैं वो लंग से सांस लेते हैं ऑल दैट एनिमल्स इन वाटर ब्रीद थ्रू देअर गिल्स जो पानी में रहते हैं जैसे आपकी मछलियां वो कैसे सांस लेती हैं गिल्स से इंसेक्ट ब्रीद थ्रू एयर होल्स कॉज पायरेकल्स और जो आपके कीड़े मकोड़े हैं इंसेक्ट्स वो कैसे सांस लेते हैं छोटे छोटे एयर होल्स के थ्रू छोटे छोटे एयर होल से सांस लेते हैं उन छोटे छोटे एयर होल्स को क्या कहते हैं स्पाइरिकल्स कहते हैं प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी और ये स्पाइरकल्स कहाँ रहते, है? रहते हैं उनकी बॉडी के साइड में रहते हैं ठीक है बात समझ आ गई आपको यू, जो एनिमल्स धरती पे रहते हैं वो लंग से सांस लेते हैं जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो गिल से सांस लेते हैं इंसेक्ट एयर होल्स के थ्रू सांस लेते हैं उन एयर होल्स को स्पाइरिकल्स कहते हैं जो कि उनके बॉडी के साइड में होता है ठीक है आप देख सकते हैं फिगर में यहां भी फिगर में आप देख सकते हैं जो इंसेक्ट है वो एयर होल स्पाइरिकल से सांस लेता है गिल से मछली सांस लेती हैं और ये प्लांट का स्टोम आता है ये सारे फिगर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करने इन सारे फिगर्स को नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स पे आते नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट परफॉर्म एनी बॉडी फंक्शन नॉन लिविंग थिंग्स जो है कोई भी बॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता अपनी बॉडी से अपनी शरीर से कोई भी काम नहीं करता है देयरफॉर दे डू नॉट ब्रीद इसीलिए वो सांस नहीं लेते हैं उन्हें सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो कोई काम नहीं करते हम काम करते हैं हमें एनर्जी चाहिए होती है इसीलिए हम ब्रीद करते हैं ठीक है ये ये सारे डायग्राम्स आपको बनाने हैं नीड ऑफ फूड अब हम पढ़ेंगे कि हमें खाने की क्या ज़रूरत है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो सारी जीवित चीज़ों को खाना चाहिए क्यों जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए फूड्स गिव देम एनर्जी टू वर्क फूड को क्या फूड क्यों चाहिए हो ये होता है एनर्जी के लिए जो एनर्जी हमें काम करने में मदद करता है फूड हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए बात समझ में आई द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ एनिमल जो खाना हम खाते हैं वो कहां से आता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ एनिमल से आता है एनिमल के डिफरेंट पार्ट से आता है वो खाना ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, द फूड वी ईट कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट या एनिमल जो खाना हम खाते हैं या तो हम वेजिटेबल्स uh, खाते हैं या तो हम वेज खाते हैं तो जो वेज खाते हैं वो कहाँ से आता है प्लांट से आता है और जो वेज खाते हैं वो कहाँ से आता है एनिमल से आता है ठीक है तो हमें बेसिकली खाना या तो प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे बनाते हैं किस चीज़ कैसे बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से धूप में क्लोरोफिल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से बनाते हैं इसीलिए ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है इसे भी बनाना है एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं या तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं या फिर किसी और जानवर को खाते हैं जैसे कि आपका खरगोश हो गया आपकी डियर हो गई ये हिरण वो सब क्या खाते हैं वो सब घास फूस खाते हैं पेड़ पौधे खाते हैं मगर जो आपका लायन है टाइगर है वो क्या खाता है वो दूसरे एनिमल को खाता है जो डियर है वो घास खाता है और लायन उस डियर को खाता है ठीक है तो कुछ एनिमल्स आपके ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन हैं ठीक है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत नहीं होती है बिकॉज दे डू नॉट ग्रो क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स वृद्धि नहीं करते हैं इसीलिए उन्हें खाने की भी कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ते नहीं हैं इसीलिए उन्हें खाने की जरूरत भी नहीं होती है फीलिंग ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं फील कर सकती हैं मोस्ट एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स फील विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस organ जितने भी एनिमल और ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं फील करते हैं कैसे अपने सेंस organ से सच एज eyes, नोज ईयर टंग एंड स्किन दे फील पेन और प्लेजर जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो फील करती हैं महसूस करती हैं जितने भी जानवर हैं वो सब कुछ महसूस करते हैं कैसे अपने सेंस organ से विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस organ और सेंस organ क्या क्या है आईज नोज ईर टंग स्किन आपकी आंखें आपके नाक आपका कान आपके टंग और आपकी स्किन क्या है सब आपके सेंस ऑर्गन है ये सब आपको देखने और महसूस करने में मदद करते हैं नाक से आप सूंघते हैं कान से आप सुनते हैं टंग से आपको ठंडा गर्म या फिर आपको टेस्ट नमकीन मीठा तीखा कड़वा सब टेस्ट आता है और आपकी स्किन जो कि आपको ठंड लगती है तो ठंड महसूस होती है गर्मी लगती है तो गर्मी महसूस होती है अगर कोई गर्म चीज़ सट जाए तो जलन महसूस होती है चोट लगती है तो दर्द महसूस होता है तो ये सब चीज़ क्या करते हैं आपको फील हेल्प करते हैं फील पेन करने में और प्लेजर दोनों चीज़ खुश और गम दोनों महसूस करने में आपकी हेल्प करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वन यू केयर योर पेट डॉग इट लीक्स योर हैंड एंड वैक्स इथ टेल जब आप अपने कुत्ते की देखभाल करते हैं तो वो क्या करता है आपके हाथों को चाटता है और अपनी पूछों को हिलाता है उसको कैसे पता चलता है कि आप उसकी केयर कर रहे हैं आप उसे सहलाते हैं या फिर आप उसे खाना देते हैं तो इससे उसे महसूस होता है मतलब वो लिविंग थिंग है इसीलिए उसे ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं आपके टेबल चेयर पेन वॉल ये सारी चीज़ों को जो कि नॉन लिविंग थिंग है उन्हें महसूस नहीं होंगी ये सारी चीजें बात समझ आई उन्हें तकलीफ महसूस नहीं होती उन्हें कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उनके पास सेंस ऑर्गन नहीं है ठीक है बात समझ आई ने लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज प्लांट ऑल्सो फील प्लांट्स को भी महसूस होता है अब देखेंगे कौन से कौन से प्लांट को महसूस होता है द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट फोल्ड अप प्लांट ऑल्सो फील कौन सा प्लांट फील करता है टच मी नॉट प्लांट टच मी नॉट प्लांट कहता है डोंट टच मी जैसे ही आप उसकी उसे टच करेंगे ना वो क्या करता है अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है इस क्यू तो ये फोल्ड करना बता रहा है कि उसे महसूस होता है तभी तो वो उसे पता चलता है कि कोई मुझे टच कर रहा है और वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है तो टच मी नॉट प्लांट आपका एक ऐसा प्लांट है जो कि टच को फील करता है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील वैसे हर प्लांट टच को फील करते हैं बट ये जो है आपकी ये शो करता है ये आपको दिखाता है कि ये फील कर रहा है ओके okay? नॉन लिविंग थिंगस डू नॉट फील जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील ओके रिप्रोडक्शन अब हम रिप्रोडक्शन पर आते हैं रिप्रोडक्शन मीन्स टू रीप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है टू प्रोड्यूस यंग लिविंग थिंग्स ऑफ सेम काइंड अपने जैसी अपने प्रजाति की चीज़ें पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है रिप्रोडक्शन का डिफेसन क्या है रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस यंग लिविंग थिंग्स ऑफ सेम काइंड अपने जैसी यंग छोटी चीज़ें छोटे बच्चे छोटे चूजे छोटे पपी छोटे पौधे पैदा करना क्या है? Reproduction कहलाता है रिप्रोडक्शन कहलाता है ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस जितनी भी जीवित चीजें हैं क्या करती हैं रिप्रोड्यूस करती हैं ंग बर्थ टू बेबीज ह्यूमन बींग्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बेबी को बर्थ दे के ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाई गेबीज एनिमल रिप्रोड्यूस बाई ले एग्स जो चिड़िया है आपकी क्या करती हैं अंडे देती हैं बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जो अंडे देते हैं जैसे कि आपका टर्टल हो गया आपका क्रोकोडाइल हो गया ये सब क्या करते हैं अंडे देते हैं ठीक है और गिव बर्थ टू द बेबीज़ या फिर बच्चे पैदा करते हैं जैसे आपका गाय घोड़ा शेर बाघ चीता ये सब क्या है ये सब बच्चे पैदा करते हैं डॉगी कैट सब क्या है ये सारे बच्चे पैदा करते हैं जो आपकी चिड़ियाँ होती हैं जनरली या फिर जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं लाइक स्नेक लीजर्ड जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं अंडे देते हैं प्ल... प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स और प्लांट क्या करते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड से और अदर प्लांट बाय प्लांट लाइक देयर स्टेम और लीव्स या तो वो बीज से पैदा लेते हैं आप देखते हैं कि अपने बीज से दूसरा पेड़ निकल कर आता है या फिर कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो कि अपने ही पार्ट से दूसरे पार्ट से उगते हैं जैसे कि किसी को रोज़ का पेड़ लगाना होता है तो वो क्या करते हैं रोज़ की थोड़ी सी डाली को काट के उसे मिट्टी में डाल देता है और उससे न्यू प्लांट निकल आता है तो ये क्या है एग्जाम्पल कि अपने स्टेम से प्लांट ग्रो करते हैं अदर प्लांट्स पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक देयर स्टेम और लीव्स वो अपने स्टेम से या लीफ से भी ग्रो करते हैं प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं सीड से या फिर अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स ठीक है, नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिप्रोड्यूस नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या करते हैं दे डू नॉट रिप्रोड्यूस नॉन लिविंग थिंग्स से दूसरी चीजें पैदा नहीं करते हैं कभी आपने देखा है कि आपके आपका टेबल जो है उसके बगल में एक और बेबी टेबल आ गया है या फिर आपके बुक से दूसरा बुक आ गया है या फिर आपकी पेंसिल से नया पेंसिल आ गया हो नहीं नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स दो टाइप की होती हैं या तो ह्यूमन मेड होती हैं मतलब इंसानों ने कुछ बनाई होती हैं और कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं ह्यूमन बींग्स ने जो जो बनाई है वो क्या क्या है आपके अगल बगल जो है चेयर टेबल वॉल आपका पेंसिल पेन pen, जितनी भी चीज़ें आपके अगल बगल हैं सब जो निर्जीव है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है ह्यूमन मेड है और जो नेचुरल चीज़ें नैचुरल चीज़ें कौन कौन सी नॉन लिविंग है आपका हवा पानी मिट्टी ज़मीन जितनी चीज़ें हैं ये सारी क्या है नॉन लिविंग थिंग है आपका सूरज चांद ये सब क्या नॉन लिविंग थिंग है ये मगर नेचुरल चीज़ें हैं ओके okay? तो कुछ चीज़ें नॉन लिविंग ऐसी हैं जो नेचुरल है और कुछ क्या है ह्यूमन मेड है मैन मेड है नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो नौ लाइफ नॉन लिविंग थिंग्स के पास जिंदगी नहीं होती है दे कैन नॉट मूव ऑन देअर ओन अब नॉन लिविंग थिंग्स के फीचर्स बता रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ दे कैन नॉट मूव ऑन देअर ओन दे डू नॉट नीड एयर टू ब्रीद उन्हें हवा पानी की कोई जरूरत नहीं होती है और फूड टू ईट ना ही उन्हें खाने की ज़रूरत होती है दे कैन ना इधर फील नॉन रिप्रोड्यूस ना ही उन्हें कुछ महसूस होता है ना ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं मतलब ना ही वो ख़ुद से कुछ पैदा करते हैं ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर आइदर मैन मेड और नेचुरल और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं या तो वो मैन मेड होती हैं ह्यूमन से बनाई होती हैं या तो वो नेचुरल होती हैं जो खुद ब खुद धरती पे हैं पहले से तो ये सब हमने पढ़ लिया ओके नेक्स्ट मूव लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स वो सारी चीज़ें जो कि मैन ने बनाई हैं उनको क्या कहते हैं मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स उनको मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं ठीक है जैसे कि आपका हाउस शू वहीकल फर्नीचर एक्सेट्रा आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स ये सारी क्या है मैन मेड है और नॉन लिविंग थिंग्स हैं घर किसने बनाया इंसानों ने जूता कौन बनाया है इंसानों ने गाड़ी फर्नीचर सब कौन बनाता है सब ह्यूमन मेड है सब मैन ने बनाया मगर सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं थिंग्स विच आर मेड बाय नॉट मेड बाय मैन जिसे कि इंसान ने नहीं बनाया याद रखना नॉट मेड बाय मैन आर कॉल नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स ये सारी नेचुरल हैं पहले से खुद से दुनिया में हैं ये सारी नेचुरली आई हैं किसी ने बनाई नहीं है इनको ये कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं द सन मून वाटर एयर सॉयल सूरज चंद्रमा पानी हवा मिट्टी ये सारी वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि नेचुरल है आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स क्या है दे आर नेचुरल दे आर नॉट मैन मेड इन्हें ह्यूम ने नहीं बनाई है किसी ने नहीं बनाया है ये खुद ब खुद बनी है नेचर में अपने आप है ठीक है लेट्स कम टू एक्सरसाइज लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वॉट आर द थिंग्स दैट हैव लाइफ कॉल्ड जिन जिनमें जिंदगी होती है उन्हें क्या कहते हैं लिविंग थिंग्स वॉट डू अ सीड ग्रो इन टू सीड किस चीज में ग्रो करता है प्लांट वॉट डू प्लांट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट प्लांट क्या ब्रीद करता है इन इन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ब्रीड आउट करता ऑक्सीजन ठीक है वॉट डज फूड गिव अस फूड हमें क्या देता है फूड हमें एनर्जी देता है ठीक है वॉट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग लिविंग थिंग्स ऑफ सेम काइंड कॉल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कहते हैं ना नाउ लेट्स मूव टू शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन वॉट आर दिन फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स मेन फीचर्स क्या क्या है लिविंग थिंग्स के बताया था ना हमने अंडरलाइन भी किया है दे कैन फील मूव ब्रीद नीड फूड ये सारे क्या है उसके फीचर्स है एंड रिप्रोड्यूस वाई डू वी नीड फूड हमें खाना क्यों जरूरी होता है ये भी अंडरलाइन किया है हमने वी नीड फूड टू ग्रो एंड फनर्जी टू वर्क हाउ डू प्लांट मेक देअर फूड प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है ये भी अंडरलाइन किया है हमने प्लांट मेक देअर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑक्सीज कार्बन डाइऑक्साइड एयर एंड वॉटर कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट एंड वॉटर हाउ डू डिफरेंट लिविंग थिंगस मूव डिफरेंट चीजें मूव कैसे करती हैं uh, हमने ये भी पढ़ा ये भी अंडरलाइन किया ह्यूमन बींग्स मूव विद दियर लेग्स बर्ड मूव विद देर विंग्स फिश स्विम विद दियर फिन्स ये सारी हमने पढ़ी है सारी अंडरलाइन की हुई है कौन कैसे मूव करता है हाउ डू ह्यूमन ब्रीद ह्यूमन कैसे ब्रीद करते हैं यह भी हमने अंडरलाइन किया है दे ब्रीद विदेल्प ऑफ लंग्स दे ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड विदर नॉस्ट्रल्स विद द हेल्प ऑफ देयर नॉस्ट्रल्स प्लांट मेक देयर ओन फूड प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं प्लांट मेक देयर ओन क्यू फूड पहला कैंसर क्या है फूड है अकार इज अ नॉन लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग ह्यूमन फील विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन कैसे फील करते हैं सेंस ऑर्गैन फिश ब्रीद थ्रू फिश कैसे ब्रीद करते हैं गिल्स से जी आई डबल एल एस गिल्स ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव ठीक है ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स आपका अब क्या करना है आपको ट्रू फॉल्स बनाना है ट्रू फॉल्स प्लांट आर नॉन लिविंग थिंग्स क्या प्लांट नॉन लिविंग थिंग्स है नहीं ना प्लांट क्या है लिविंग थिंग्स है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स होगा एनिमल ब्रीद थ्रू स्टोमाटा एनिमल स्टोमाटा से ब्रीद करते हैं या प्लांट करते हैं प्लांट करते हैं ना तो ये भी फॉल्स है प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स ट्रू द सन इज अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग ट्रू ह्यूमन ब्रीथ थ्रू द लंग्स ट्रू नाउ कम टू मैच द कॉलम मैच द कॉलम करेंगे अब हम बॉय बॉय क्या है बॉय विल ग्रो इन टू अ मैन बॉय बड़ा होके क्या बनेगा मैन बर्ड बर्ड फ्लाई विथ देर विंग्स प्लांट प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा फिश फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स इयर इयर इज अंस ऑर्गेन ठीक है कंप्लीट हो गया ये नेक्स्ट मूव टू गिव टू एग्जाम्पल ऑफ दो एग्जाम्पल देनी है आपको प्लान दैट शो मूवमेंट कौन कौन मूवमेंट शो करता है टच मी नॉट और सनफ्लावर एनिमल दैट ब्रीथ थ्रू लंग्स कौन कौन से एनिमल लंग्स से ब्रीथ करते हैं जितने भी धरती पे रहते हैं वो सारे जैसे कि लायन टाइगर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स मैन मेड ह्यूमन ने जो जो चीज बनाई है और वो नॉन लिविंग है टेबल चेयर या फिर टेबल और बुक लिख दो ठीक है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स सन एयर वाटर कुछ भी लिखो लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स क्या क्या है कोई भी लिविंग थिंग का नाम लिखो एनिमल एंड प्लांट एनिमल्स एंड प्लांट ठीक है ये भी खत्म हो गया नाउ मूव टू नेक्स्ट थिंग पजल जल अरेंज करना रीअरेंज द जम्बल वर्ड पहला क्या ई एन टी मूवमेंट एन जी एस लंग्स एल यू एन जी एस लंग्स नेचुरल एन ए टी यू आर ए एल नेचुरल मूवमेंट है ऊपर वाला एमओवी एम ई एन टी रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस ब्रीद बी आर ई एच ई ब्रीद नाउ कम टू क्रॉस प्रजल क्रॉस पजल में आते हैं हम लोग सॉल्व द क्रॉस पजल पहला है फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स वन में अक्रॉस में भरना है हमें ब्रीद बी आर ई एच ई ब्रीद फिश ब्रीथ थ्रू थ्रू दिस फिश कैसे ब्रीथ करती है गिल्स से जी आई डबल एल एस गिल्स वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गेन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू किस में भरना है फिफ्थ नंबर में एफ डबल ई एल फील हम लोग फील करते हैं लिविंग थिंग्स नीड टू डू दिस टू लिव लिविंग थिंग्स को ये करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए ब्रीद लिविंग फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स क्या था ग्रोथ बर्ड फ्लाई विद देर विंग्स डब्ल्यू आई एन जी एस विंग्स ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू दिस लंग्स एल यू एन जी एस लंग्स सेवेंथ में क्या है चीनी होल्स ऑन लीव्स थ्रू विच दे ब्रीथ टोमाटा एस टी ओ एम ए टी ए स्टोमाटा ठीक है नाउ दिस दिस एक्सरसाइज इज़ कम्प्लीटेड आई थिंक यस तो अगर आपको वीडियो अच्छे से ये चैप्टर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में करके लिख कर आप पूछ सकते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो